पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से बोल दो बोर्ड भगवान जगन्नाथ, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए, ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद देश में सरकारें बन गई और अब लोकसभा में मामला जो है वो चल रहे हैं। लोकसभा में आप तमाम लोग जान रहे हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स का जो है वो अभी मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो चल रहा है, और इस दरमियान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर दिया है। जी हां, इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परमात्मा वाले कनेक्शन पर अपनी बात रखी, और उसके बाद देश के बापू कहे जाने वाले, देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी के बारे में एक बड़ी बात कही। देखिए इस वीडियो को। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया से बोल दो बोर्ड भगवान जगन्नाथ, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए, ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नौ सर गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, आप मैं पुरानी पार्टी है, गौरव स्पीकर सर मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स हु हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, has a direct speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को कि किस तरह से राहुल गांधी ने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को ट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो हूं, मुझे तो परमात्मा ने भेजा है, वो बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं रहा। हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया में हर एक शख्स बायोलॉजिकली है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकार कर दिया था, और इसका नतीजा यह है कि देश के सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे सीधे उनके ऊपर हमलावर थे। और साथ ही साथ उनका उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि गांधी को जानता कौन था जी, वो तो गांधी पर मूवी आई, गांधी मूवी बनी तब जाकर के गांधी को लोग जानने लगे थे। हालांकि शायद प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं होगा कि हजारों किताबें गांधी जी के ऊपर तब तक लिख दी गई थी। आप तमाम लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।